जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन कैट 6 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। दोस्तों, बीपीएससी के माध्यम से शिक्षक बहाली की प्रक्रिया दूसरा चरण जो है अपने अंतिम पड़ाव पे है, क्योंकि अब बात यहाँ पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट की हो रही है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे अतुल प्रसाद सर ने ये ट्वीट करके भी इसके बारे में जानकारी दी थी, जिसके बारे में हमने आपको कल एक अपडेट दिया था, जहाँ पे बताया गया था कि वैकेंसीज के यहाँ पर रिगार्डिंग हम लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट जल्द ही अपडेट करने वाले। लेकिन मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया भी था कि लगभग 15,000 की जो सीटों की संख्या है वो आ सकती है, यानी कि 15,000 रिजल्ट सप्लीमेंट्री के आ सकते हैं। तो वैसा ही कुछ न्यूज़ अपडेट भी निकल कर आ रहा है, तो हम अब तक इस चीज़ को साझा करने जा रहे हैं। 14,762 पदों के लिए ये पूरक रिजल्ट आ सकते हैं, ये संभावनाएं बताई जा रही हैं। न्यूज़पेपर में भी इसका अपडेट दिया गया है। दूसरे चरण की नियुक्ति की प्रक्रिया में जहां पर 14,762 और अभ्यर्थियों को शिक्षक बनने का मौका मिलेगा, ये उनकी बात हो रही है दोस्तों, जो लोग यहाँ पर जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट का अब इंतज़ार कर रहे हैं। अब देखिए, 13 तारीख को, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 13 जनवरी को आप लोगों का जो है नियुक्ति पत्र बांट दिया जाएगा और जांच की प्रक्रिया चलती रहेगी, है ना। जितने भी छात्र यहाँ पे शिक्षक बन चुके हैं उनकी जांच की प्रक्रिया चलती रहेगी। जो सीटें खाली होंगी, मान लीजिए बहुत सारे लोग यहाँ पे जो है फर्जीवाड़ा करके भी एंट्री कर रहे होंगे, तो जो सीटें खाली होंगी उन सीटों को तो अगली वैकेंसी में जोड़ा जाएगा। लेकिन इस वैकेंसी के रिगार्डिंग, जो कि आपका बीपीएससी TRE 2 है, 1,22,000 पदों की वैकेंसी थी, जहां पे पूरक रिजल्ट देने की बात कह दी गई है कि 14,762 ऐसे रिजल्ट दिए जाएंगे जो कि पूरक रिजल्ट हो सकते हैं, यानी कि लगभग 15,000 लोग यहां पे पूरक रिजल्ट के जरिए यहां पे और भी शिक्षक बन सकेंगे। अब यहाँ पे जब शिक्षकों की भर्ती की बात हो रही है, तो रिजल्ट की बात हो रही है, तो कट ऑफ का भी बात होगा। जी हाँ, क्योंकि कट ऑफ नहीं निकलेगा, नहीं समझ में आएगा तो ये पता नहीं चलेगा सर कितना कट ऑफ नीचे आ सकता है, ये सबसे बड़ा सवाल होगा यहाँ पे। क्योंकि देखिए, 14,762 लोगों का यहाँ पे चयन होगा, तो अब ध्यान से समझिएगा इन सभी चीज़ों का खेल क्या चलेगा। देखिए, मान लीजिए कि आप सेलेक्ट हुए हैं, सपोज़ मान लीजिए कि आपका सिलेक्शन हुआ है 6 to 8 में भी सोशल साइंस में, या फिर आपका सिलेक्शन हुआ है 11th 12th में भी सोशल कोई एक सब्जेक्ट को लेकर, मान लीजिए हिस्ट्री को लेकर, या फिर आपका 9th 10th में भी सिलेक्शन हुआ है सोशल साइंस को लेकर, 3 जगह आपका सिलेक्शन हुआ है। अब आप क्या चाहेंगे कि आप कहाँ जॉब करें? जाहिर सी बात है, सबके मन में और सबके जहन में यही बात आएगी कि हम 11th 12th को पढ़ाएं, ज़्यादा सैलरी मिलेगी, है ना। बहुत ऐसे कम केसेस होंगे जहाँ पे जो है जो कि लोअर क्लासेस को जाके पढ़ाने का आप चयन करेंगे, है ना, हायर क्लासेस को छोड़कर। तो यहाँ पे कट ऑफ अब गिरेगा। इसी तरह हर एक विषय में कितना कट ऑफ गिर सकता है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। थोड़ा सा बस इस न्यूज़ को समझ लेते हैं कि 14,762 ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि एक से अधिक स्तर पर शिक्षक परीक्षा में सफल हुए हैं, यानी कि 11th 12th में भी हुए हैं, 6 to 8 में भी हुए हैं, 9th 10th में भी हुए हैं। तो उन पर ये जो है शिक्षकों की जो है किसी एक जगह काउंसलिंग करके उपस्थिति हुए हैं, ऐसे में इतने पद पर पूरक रिजल्ट निकालने की तैयारी है। इस तरह विभिन्न कोटि के जो अभ्यर्थी हैं कुछ अंकों से सफल होने के वंचित रह जाएंगे हो गए हैं, यानी कि देखिए बहुत सारे लोग, जैसे कि मान लीजिए कि आपका 74 गया है कट ऑफ किसी पेपर में, सपोज मान लीजिए। अब इनमें 3 स्टूडेंट हैं यहाँ पे, ए बी और सी। अब यहाँ पर ए बी और सी तीनों जो स्टूडेंट है आपका 74 ला के यहाँ पे टाई ब्रेकर में फंसा हुआ है, लेकिन एज के चलते कोई छात्र जो है यहाँ पर ऊपर चला गया, उसका जो है क्वालिफिकेशन कर लिया गया, या मेन विषय में जो है उसका मार्क्स अच्छा आ गया तो उसका सिलेक्शन हो गया, लेकिन 74 पे बाकी 2 स्टूडेंट तो है यहाँ पे। अब ये जो है 2 स्टूडेंट यहाँ पे 74 पे रुके हुए हैं, वेट कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो उनके लिए अपडेट यहाँ पे थोड़ा सा आएगा कि हो सकता है कि पहले इनको मौका दिया जो 74 पे अटके हुए, टाई ब्रेकर फिर चेक होगा यहाँ पे, टाई ब्रेकर चेक होगा तो यहाँ पे कट ऑफ जो है अगर 74 पे है तो 74 पे ले लीजिएगा, लेकिन अगर 74 पे कोई स्टूडेंट नहीं मिला तो एक अंक घसकेगा नीचे, जैसे कि पिछली बार किया गया था, है ना, एक अंक घटा था वहाँ पे, एक मार्क्स घटा था, तो जितने लोग पूरक रिजल्ट में आए थे उनका सिलेक्शन किया गया था। तो यहाँ पे देखिएगा तो 14,762 लोगों का चर्चा हो रहा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे 2 से 3 नंबर आपका नीचे कट ऑफ आने का संभावना है। इस चीज़ को और मैं समझाऊंगा आगे चल के, थोड़ा सा वेट कीजिएगा, समझिएगा चीज़ों को, ठीक है। उन्हें पूरक रिजल्ट में सफल होने का मौका मिल सकता है। मालूम हो कि आयोग के द्वारा पहले चरण की नियुक्ति में भी पूरक रिजल्ट जारी किया गया था,
पहले चरण के पूरक रिजल्ट में 2772 अभ्यर्थियों को सफल हुए थे। दूसरे चरण की नियुक्ति में 122,000 पदों के लिए आयोग यहाँ पर ने परीक्षा ली थी, जहाँ पे 92,000 से अधिक अभ्यर्थी सफल घोषित हुए हैं। अब इन अभ्यर्थियों की काउंसलिंग जिले में 26 दिसंबर से चल रही है और 70,000 से अधिक अभ्यर्थियों को काउंसलिंग भी हो चुका है। अब ये 8 जनवरी तक आपका लास्ट डेट है ना काउंसलिंग का, भी ये आपको पता होना चाहिए। और 13 तारीख को चूंकि क्या है नियुक्ति पत्र बंटना है, और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे छात्र होंगे जो कि चाहते होंगे कि पूरक रिजल्ट उनका मिले और वो भी यहाँ पे सिलेक्शन हो जाए। तो ये कब तक होगा सर? तो ये देखिए 13 तारीख तक तो आपका नियुक्ति पत्र वगैरह सब कुछ चलेगा, काउंसलिंग वगैरह 8 तारीख तक चलेगा। तो 8 तारीख के बाद हो सकता है कि 9 तारीख या 10 तारीख से जो है आप लोगों का, या 11 तारीख से जो है आप लोगों का जो है पूरक रिजल्ट के बारे में अपडेट आना शुरू हो जाए। वैसे तो कवायद लगाया जा रहा था कि यहाँ पे अगली बहाली के रिजल्ट आने से पहले पूरक रिजल्ट दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर आयोग जो है बहुत ही तेज़ी से काम कर रही है, इसके ऊपर विचार कर रही है, और दूसरे चरण में जो है यहाँ पर इस बहाली की प्रक्रिया में जो रिक्त पद जोड़े गए थे उसके अनुसार देखा गया, तो यहाँ पर लगभग 15,000 ऐसे पूरक रिजल्ट देने की संभावनाएँ इन्होंने बताई है। अब यहाँ पर देखिएगा तो पूरक रिजल्ट में सफल अभ्यर्थियों को भी काउंसलिंग इसी तर्ज पर संबंधित जिले में की जाएगी, जैसे कि पहले की गई थी। तो अब आप समझिए कट ऑफ को यहाँ पे। सपोज मान लीजिए कि ऐसा आप लोगों ने अपना रिजल्ट डाउनलोड किया होगा है ना अपने विषय का, सपोज मान लीजिए कि आप 9 to 10 में भी सेलेक्ट हैं है ना, आपका सोशल स्टडी है पेपर, और 11-12 में आपका सिलेक्शन हुआ है हिस्ट्री को लेकर, ठीक। और 6 to 8 में भी आपका सिलेक्शन हुआ है यहाँ पर सोशल स्टडी को लेकर, ठीक है, आपका तीनों जगह सिलेक्शन हुआ है। और आप चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं कि मैं 11-12 में जाके हायर क्लासेस को पढ़ाऊं और सैलरी अच्छी पाऊं। वैसे कम स्टूडेंट होंगे जो कि चाहेंगे कि मैं 9-10 को जाके पढ़ाऊं और 6 to 8 को पढ़ाऊं, तीनों में सिलेक्शन होने के बाद ये चाहेंगे कि 11-12 में पढ़ाएं और हायर क्लासेस में रहें ताकि सैलरी अच्छी खासी इनको मिले। तो यहाँ पर बाकी दो जगह पर आपका तो सीट खाली रह गया। तो इसी चीज़ को लेकर अतुल सर ने ट्वीट भी किया था कि मल्टीपल जो रिजल्ट हुए हैं उनको लेकर जो भी सीटें खाली होंगी उन सीटों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर हम लोग जो है पूरक रिजल्ट निकालने जा रहे हैं, जहाँ पे 14,762 ऐसे सीटों पे आपका सिलेक्शन होगा। तो अब कट ऑफ इनका निकालिएगा, क्योंकि जब आप लोग देखिए आप रोल नंबर वाइज अपना नाम देखिएगा और उसी में जैसे कि क्लास 6 to 8 का भी देखिएगा और 9 to 10 का भी देखिएगा। सपोज मान लीजिए 6 to 8 और 9 to 10 का आप देख रहे हैं, सोशल स्टडी यहाँ भी है, सोशल स्टडी यहाँ भी है, तो उसमें कट ऑफ देखिएगा है ना, कट ऑफ देखिएगा जब यहाँ पे, तो मान लीजिए कि 74 पे आपका सिलेक्शन हुआ है 9 to 10 में, और यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है आपका 75 पे या 73 पे हुआ सपोज मान लीजिए है ना। तो यहाँ पे अगर आपका सिलेक्शन हुआ है तो, और यहाँ पे भी हुआ है, तो आप जाहिर सी बात है 6 to 8 को छोड़ोगे, इसमें जाओगे है ना। अब इसमें देखने योग्य बातें हैं, कितने छात्रों का जो है नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने छात्रों का सेम रिजल्ट है, जैसे कि 6 to 8 में भी है और का 9 to 10 में भी है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट जैसे पता चलेगा उसके अनुसार ये कट ऑफ आपका अप्रोक्स 2 to 3 नंबर डाउन होना ही है, जैसा कि पिछली बार हुआ था। तो इस बार 2 to 3 कट ऑफ जो है नीचे गिर जाएगा, कट ऑफ जैसे मिलाइएगा आप लोग। और नंबर ऑफ स्टूडेंट जो कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे इस रोल नंबर वाला लड़का सेलेक्ट हुआ, ये लड़का जो है, फिर ये 9 to 10 में भी देखिएगा तो इसमें सिलेक्शन हुआ, तो ये दो लोग हो गए एक सीट पर, मतलब दो सीट पर एक ही आदमी का है, सॉरी है ना, तो एक सीट पर दो, मतलब एक सीट है और उस पर एक ही लड़के का दो बार मतलब कब्जा है, ठीक है। तो यहाँ से इसको बाहर किया जाएगा, या दो सीट है यहाँ पे और इस दोनों सीट पे एक ही लड़के का कब्जा है, तो इससे एक सीट तो खाली करवाया जाएगा, एक सीट खाली हुआ तो जुड़ेगा खाली सीट में जाके और उसी पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकलेगा। तो ये एक प्रोसेस तो यहाँ पे दिख रहा है कि कट ऑफ डाउन होगा, लेकिन कितना डाउन होगा? तो डाउन ये 2 to 3 नंबर तक जाने की संभावना है। आप अपना जो है कैटेगरी देखिएगा, अब कैटेगरी वाइज कितने सीटें आती हैं मतलब देखना पड़ेगा, जो यहाँ भी कैटेगरी वाइज ही आपका जो है पूरक रिजल्ट दिया जाएगा। तो देखने योग्य ये बातें होंगी कि आपके विषय में सपोज मान लीजिए कि आपका इंग्लिश है या पॉलिटी है ना, या फिर आपका जो है मैथ है, या फिर आपका सोशल स्टडी है, मतलब अगर आप 6 to 8 और 9 to 10 की बात करेंगे तो किस विषय में कितने लोगों का जो है सेम रिजल्ट है, मतलब कि आपका भी सिलेक्शन है दूसरे का भी सिलेक्शन है, तो एक सीट पर कितने लोग आएंगे, फिर वहाँ पर टाई ब्रेकर चेक किया जाएगा, टाई ब्रेकर चेक होगा, उसके बाद आपका कट ऑफ चेक होगा, और कट ऑफ चेक होगा
उसके बाद अगर आपका वरीयता रहेगा तो आपका सिलेक्शन होगा इन 14,762 सीटों के ऊपर, जो कि ये न्यूज़ अपडेट में दिया गया है दोस्तों। तो ये जानकारी थी दोस्तों यहाँ पे कट ऑफ को लेकर। सब्जेक्ट वाइज सीट का पता चलेगा, सीट खाली होंगी सब्जेक्ट वाइज, और सप्लीमेंट्री रिजल्ट उसी पे दिया जाएगा। कट ऑफ का ये खेल कुछ इस तरह से चलेगा जो कि हमने आपको अपडेट किया है। वैसे आपके जो भी डाउट हैं आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। और 13 जनवरी से आपका जो है ये नियुक्ति पत्र बटेगा, तो मोस्ट प्रोबेबली जो है 15 जनवरी तक जो है आपका पूरक रिजल्ट यानी कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी आने की संभावनाएँ बताई जा रही हैं। 15 या 16 जनवरी या मैक्सिमम 20 जनवरी तक जा सकता है ये आपका पूरक रिजल्ट का भी सारा डिटेल आ सकता है दोस्तों। और जितने भी उसके बाद सीट बचेंगे वो सीट जाएंगी आपकी BPSC TRE 3rd में। तो BPSC TRE 3rd में जाएंगे तो उसकी तैयारी में आप लोग लगे रहिए भाई। जिनका STET निकला हुआ है या CTET क्लियर है तो वहाँ 6-8 की भी बहाली आ रही है, 9-10 की भी बहाली आएगी, 11-12 की भी बहाली आएगी और 1-5 की भी बहाली आएगी। लगभग अगर मैं बात करूँ वहाँ पर तो लगभग 90,000 से लेकर 1,00,000 की बहाली जो है आपको वहाँ पर देखने को मिलेगी BPSC TRE 3rd में। तो बहाली की प्रक्रिया कम नहीं होगी, क्योंकि क्या है कि ये तो वैकेंसीज हैं ही, जितने सीट बचेंगे वो आगे जाएंगे जोड़कर, लेकिन जो सीट अभी रिटायरमेंट से खाली होंगी उन सीटों को भी इसमें जोड़ा जाएगा। उसका एक रोस्टर बनकर तैयार होगा BPSC TRE 3rd का और जल्द ही आप लोगों को उसका अपडेट देखने को मिलेगा। अगस्त महीने में उसका एग्ज़ाम है, तैयारी शुरू कर दीजिए। आप हमारा एजुकेशन केयर 6 का टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा और साथ ही साथ आप लोग के मॉक टेस्ट टेलीग्राम पे भी शुरू होने वाले हैं, तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा वहाँ पे भी और हमारा एप्लीकेशन भी हम लोग आप लोग कर लीजिएगा। जय हिंद।